कुंज बिहार जय। जगन्नाथ रथयात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथ कथा की कथा गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। यूट्यूब में डांस कर रहा था, हो गया। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। इसमें देखना कि नहीं
ऐसे घुमा के नहीं दिखाना, ऐसे नहीं करना, जब जरूरत पड़ेगा तो। हाँ इसको थोड़ा इधर करो, इस तरफ, मेरा कहने का मतलब ये दिख रहा है क्या? नहीं अभी नहीं दिख रहा है। तो फिर वो जब होगा तब वैसे तो हो रहा है। नहीं कल तो कंटिन्यू दिख रहा था। तो एंगल से दिखाएं फेसबुक में तो वो कल तो पूरा देख रहा था। ज्यादा चेंज मत करो। थोड़ा इधर करो। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर पूरा परिक्रमा किए, क्या क्या देखने का है। हम लोग ने दो परिक्रमा किए, एक था बाहरी परिक्रमा, बाहरी बेड़ा और भीतरी बेड़ा, दो परिक्रमा की। बाहरी बेड़ा में जो मेघ प्राची और मेघनाथ प्राची और कुर्मा प्राची के बीच का स्थान को दर्शन किया, और भीतरी बेड़ा में मंदिर के आसपास जो सब तीर्थ है उसको दर्शन किया। आज हम वर्णन करेंगे पूरी धाम में मंदिर के बाहर में जितने भी तीर्थ हैं उन सब का वर्णन करेंगे। मंदिर के बाहर में कितने तीर्थ हैं और क्या क्या तीर्थ है, उनकी महिमा क्या है, ये आज का हमारा विषय है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 22 तीर्थ टोटल, तो हम एक से शुरू करके 22 तक कंटिन्यू चर्चा करेंगे। सबसे पहला तीर्थ है महोदधि। महोदधि का अर्थ है पूरी का सागर। उदधि मतलब सागर और महो मतलब महान, बड़ा सागर, महान तीर्थ। ये तीर्थों का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में और स्कंद पुराण में है। और इन दोनों पुराणों में आता है कि पूरी में पंच तीर्थ हैं, पंच जलाशय हैं और पंच महादेव हैं या अष्ट शंभु भी हैं और अष्ट दुर्गा हैं और हनुमान, चार हनुमान है मुख्य। तो इस तरह से ये मुख्य मुख्य तीर्थ है। तो स्टार्टिंग होता है महोदधि से, सागर से। ये सागर के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति
सिंधु तुरे कृतम पापम स्नानात विनश्यति। कोई भी तीर्थ में अगर पाप किया होगा तो इस सागर के तीर्थ पे पहुंचने से, सागर के तीर में किनारे पहुंचने से वो पाप नष्ट हो जाता है, और सागर के तट पे अगर पाप किया तो सागर में स्नान करने से विनाश हो जाता है। ये सागर तीर्थ की महिमा। जो पुरी में जो सागर है वो भी महान तीर्थ है। इसी सागर के द्वारा माध्यम से भगवान का जो दारु ब्रह्म है, जो लकड़ी का विग्रह है, विग्रह के लिए जो लकड़ी है, वो इस सागर में तैरते तैरते आया हुआ था दारु ब्रह्म। और महाराज इंद्रद्युम्न सागर से लकड़ी को उठा के लाए। और एक श्लोक में लिखा है, जन्म कोटि सहस्रेशु यत् पाप पूर्वम अर्जितम तदा शेषम लयम यांतु देहम देही में ब्रह्म शाश्वतम। 1 करोड़ जन्म के पाप विनाश हो जाते हैं इस महासागर में स्नान करने से। बंगाल से जब चैत्र महाप्रभु को मिलने के लिए भक्त लोग पुरी में जाते थे तो चैत्र महाप्रभु सर्वप्रथम उनको कहते थे कि तुम लोग समुद्र में स्नान कर लो और फिर जगन्नाथ का नील चक्र का दर्शन करो। तो ये कस्टम था, जब भी भक्त लोग आते थे तो समुद्र स्नान करके जगन्नाथ का दर्शन करते थे। और इस जगन्नाथ महासागर में हरिदास ठाकुर का भी निर्याण लीला हुआ, और चैत्र महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के देह को अपने हाथों में लेकर के समुद्र में स्नान करवाया था। और महाप्रभु ने उस दिन घोषणा किया, डिक्लेयर किया कि आज से ये समुद्र जो तीर्थ है वो महातीर्थ कहलाएगा, क्योंकि इसमें हरिदास ठाकुर ने स्नान किया, उनका शुद्ध शरीर उसमें स्पर्श किया है। और इस समुद्र में चैतन्य महाप्रभु भी स्नान करते थे। और एक बात तो चैतन्य महाप्रभु इस समुद्र में भाव में आकर के जमुना समझ के समुद्र में प्रवेश कर गए थे, अंदर चले गए थे महाप्रभु भाव में, और उनका बॉडी फ्लोट करते करते तैरते तैरते बॉडी उनका बहते बहते बहुत दूर में चला गया था। और बाद में एक मछुआरा जो मछली पकड़ रहा था उसकी जाल में महाप्रभु का बॉडी फंस गया था, और वो मछुआरा महाप्रभु का बॉडी को लेके अपने घर लेके गया, और महाप्रभु को स्पर्श करने की वजह से वो मछुआरा कृष्ण 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 बोलने लगा, और वो मछुआरा को लगा कि उनको भूत पकड़ लिया है। फिर सर्वदामोदर ढूंढते ढूंढते उस मछुआरा के पास पहुँचते हैं और महाप्रभु को पहचानते हैं, फिर महाप्रभु को जगाते हैं। ये लीला समुद्र में हुआ, तो महाप्रभु ने भी अपना शरीर को इस समुद्र में कई बार डुबाया, इसलिए समुद्र महातीर्थ बन गया। दर्जा बंद कर दिया। नेक्स्ट समुद्र के बाद तीर्थ आ गया मार्कंडेय सरोवर। ये मार्कंडेय सरोवर जो जगन्नाथ का मूल मंदिर है उसके उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर में है मार्कंडेय सरोवर। नहीं, वायव्य दिशा में, वायव्य कोना दिशा ने वायु कोने में है, उत्तर में नहीं, सॉरी, वायु कोने में मार्कंडेय सरोवर।
इस मार्कंडेय सरोवर में मार्कंडेय जी एक बार प्रलय में फंस गए थे और वट वृक्ष के ऊपर भगवान ने दर्शन दिया था और उस भगवान ने बाल मुकुंद भगवान ने मार्कंडेय को कहा, आशीर्वाद दिया कि मेरे इस वृक्ष से वायु कोने में थोड़ा दूर पे तुम्हारा नाम से एक मार्कंडेय कुंड होगा और वहाँ पर तुम शिव जी की आराधना करोगे, उसका नाम होगा मार्कंडेश्वर शिव। तो जो व्यक्ति मार्कंडेय सरोवर में स्नान करके शिव जी का दर्शन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्ति होती है। इस मार्कंडेय सरोवर में चैत्र महीने की अष्टमी को कालिया दमन का लीला का अनुष्ठान होता है। तो हो गया मार्कंडेय सरोवर और मार्कंडेय जी के लीला से जुड़ा हुआ है। इसके बाद श्वेत गंगा, श्वेत गंगा जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ मंदिर का जो दक्षिण द्वार है उसके पास में है, एकदम जगन्नाथ मंदिर से लगा हुआ है। श्वेत गंगा को गंगा से अभिन्न माना गया है कि पूरी में तो चारों ओर समुद्र है लेकिन मंदिर के पास में गंगा देवी प्रकट हुई है और इस श्वेत गंगा के नाम से वहाँ पर कुंड है, उस कुंड में गंगा देवी का पानी आता है ऐसा माना जाता है। और ये कुंड में का पानी कभी खाली नहीं होता, सूखता नहीं है, मतलब थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। और ऐसे कहते अगर पंपिंग करके पानी को अगर फेंक देते हैं साफ करने के लिए तो भी भर जाता है, नीचे से पानी निकलता है। ये श्वेत गंगा इससे ऐसा माना था कि शायद गंगा का पानी वहाँ पर अंदर से आ रहा है इस कुंड में। ये कुंड 2 एकड़ बड़ा लंबा इसका फैला हुआ है 2 एकड़ में। इस कुंड के चारों सुंदर वट वृक्ष हैं, शोभा पाते हैं और ये कुंड बहुत सुंदर रमणीय है। इस कुंड के तट पे मत्स्य माधव मतलब भगवान के मत्स्य अवतार का सुंदर मंदिर है, छोटा सा विग्रह, और श्वेत माधव का मंदिर है और राजा श्वेत का भी मूर्ति है। तो भांगा तो मैंने लगा हलो नाइक पावने देखाने चलो धामाधर नीचे आना चाहिए। श्वेत गंगा नाम क्यों हुआ इसके पीछे सुंदर एक कथा है। राजा श्वेत नाम के एक बहुत बड़े राजा थे, इस स्कंद पुराण में राजा श्वेत की कथा आती है, त्रेता युग का एक कथा है। राजा श्वेत जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे और वो उनके द्वारा जगन्नाथ की सेवा पूजा हो रही थी राजा श्वेत के द्वारा। तो एक बार राजा श्वेत भगवान का मंदिर दर्शन करने गए थे तो उन्होंने देखा कि हजारों देवता लोग मंदिर में आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं और भोग भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जब उन्होंने देखा तो उनके मन में हुआ कि अरे जब भगवान के देवता लोग इतने सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हैं तो भगवान हम लोग जो लगाते वो तो खाते नहीं होंगे, भगवान जब देवता इतने सुंदर भोग भगवान खा रहे तो हमारा
वो क्या कहेंगे, ऐसा राजा सोच रहे थे। तो भगवान को वो कुछ करने से नहीं होगा, बैठे बैठे रहो, खराब है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो राजा ने, तो भगवान जगन्नाथ जी उनके मन की बात को समझ गए कि मेरा भक्त है श्वेत, उसके मन में डाउट हो रहा है कि मैं इनके लिए इनके हाथ लगाया हुआ भोग खाता हूँ कि नहीं। तब भगवान ने कृपा किया राजा श्वेत के ऊपर, और राजा श्वेत ने देखा कि भगवान जगन्नाथ, जो राजा श्वेत के द्वारा जगन्नाथ मंदिर में जो भोग बना था, वो भोग साक्षात भगवान को लक्ष्मी देवी अपने हाथों से परोस रही है और भगवान खा रहे हैं। भगवान खा रहे थे और मदन मोहन जी खा रहे थे विग्रह। ये देख के राजा बहुत खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए कि वाह, भगवान ने हमको कृपा करके हमारा भोग खा दें। हम सोच रहे थे कि भगवान हमारा भोग नहीं खाते होंगे। जब इस तरह से राजा सोच रहा था तो भगवान ने और खुशी हो गए, और जगन्नाथ जी ने कहा कि ये राजा मेरे, राजा श्वेत, तू मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ कि तुम ये अक्षयवट और महोदधी सागर के बीच में तुम्हारे स्मृति में एक कुंड बनना चाहिए, और तुम्हारे और मेरे नाम से एक विग्रह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसकी सेवा पूजा होनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान के आदेश से वो श्वेत गंगा, राजा श्वेत के नाम से श्वेत गंगा का वहाँ पर प्राकट्य हुआ, और राजा श्वेत का विग्रह और माधव जी का, भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। हाँ, श्वेत माधव का विग्रह है अभी भी, राजा श्वेत का भी विग्रह है। तो हो गया श्वेत गंगा की महिमा। और श्वेत गंगा में और भी बहुत छोटी छोटी लीलाएँ घटी हैं। एक लीला है कि एक भक्त थे, उनका नाम शायद इधर तलेछा पात्र लिखा है, महापात्र, लेकिन एग्जैक्टली मुझे लगता है नाम और भी कुछ, शायद दूसरा कोई नाम होगा। तो एक भक्त थे, ब्राह्मण पांडा थे जगन्नाथ जी के, और वो श्वेत गंगा में पूरी के सभी भक्त वाराणसी स्नान करने जा रहे थे, और इस पांडा ने सोचा कि मैं तो पूरी छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा गंगा स्नान कैसे होगा, मेरा गंगा स्नान नहीं होगा। वाराणसी में कोई विशेष स्नान था, गंगा में तिथि थी, तो सब लोग वाराणसी बनारस गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो इस पांडा के मन में बहुत दुख हो रहा था, तो भगवान ने कहा कि तुम श्वेत गंगा में स्नान करो, ये भी गंगा है। तो पंडा श्वेत गंगा में स्नान करने जाता है, तो जैसे उन्होंने डूब दिया श्वेत गंगा में, वो डूब दे के जब ऊपर उठा तो देखा वाराणसी में पहुंच गए। वाराणसी में हजार हजार लाख लाख लोग स्नान कर रहे हैं, और फिर वापस वाराणसी से जब डूब दिया वापस श्वेत गंगा में प्रकट हो गए। तो इस लीला से प्रमाणित हुआ कि ये श्वेत गंगा उस गंगा से अभिन्न है। और एक लीला हुआ, सची देवी नाम की एक भगवान की बड़ी भक्त भक्तिन थी,
उस वो बहुत बड़ी भक्त थी और एक गंगा सागर का मेला लगा था, तो गंगा सागर के मेले में पूरी के सब भक्त लोग गंगा सागर में स्नान करने गए, लेकिन सची देवी को पूरी छोड़ के जाने का इच्छा नहीं था। तो मन ही मन उनके मन में दुख हो रहा था कि मैं गंगा सागर जा नहीं पा रहे। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा सची देवी को कि तुम श्वेत गंगा में स्नान करो। तो सची देवी जब श्वेत गंगा में स्नान करने गए तो जैसे उन्होंने डूब मारा तो गंगा में बाढ़ आया, और बाढ़ आया और सची देवी को बहाते बहाते जगन्नाथ मंदिर के अंदर लेके गए। ये रात को हुआ, मिडनाइट को। तो सची देवी जगन्नाथ मंदिर के अंदर पहुंच गए और गंगा के साथ, और फिर सची देवी ने देखा कि गंगा देवी जगन्नाथ के चरणों से निकल रही है। तो जगन्नाथ के चरणों से गंगा जी का प्रवाह बहुत तेजी से आ रहा है, गंगा निकल रही है, और सब देवता हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। और ये सब दृश्य देख के पूरा मंदिर गंगा से भर गया, चारों ओर गंगा की लहरें हो रही और जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा निकल रही है। ये देख के सची माता बहुत आश्चर्य हो गई, स्तुतियां करने लगी। और इस तरह बहुत कई घंटा बीत गया। तो बाहर में जो चौकीदार था उसको जगन्नाथ के मंदिर के अंदर से बहुत कोलाहल आवाज़ आने लगा कि गंगा का आवाज़ आ रहा था, देवता लोग बातें कर रहे थे, स्तुतियां कर रहे थे। तो वो सोचा क्या हो रहा है अंदर में, वो तुरंत उठ के वो राजा के पास गया। तो राजा और चौकीदार सब लोग ने मिल के मंदिर को रात को खोला। तो रात को खोल के देखा तो मंदिर के अंदर गए तो सची माता अंदर खड़ी थी, सची देवी अकेली, और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने उनको लगा कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर वो भंडार के अंदर बहुत मूल्यवान गहने हैं, उस मूल्यवान गहनों को शायद सची देवी चोरी करने आई होगी, उसने चोरी किया होगा। ये सोच के उन्होंने सची देवी को पकड़ के बंदी बना के जेल में रख दिया। उनको लगा कि चोरी करने आई है। तब राजा ने जगन्नाथ जी ने राजा को सपना दिया कि ये सची देवी को तुमने जेल में क्यों बांध दिया, उसका कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही उनको मंदिर में आने को व्यवस्था किया था मेरा दर्शन देने के लिए, तो तुम उनसे माफ़ी मांगो और उनसे दीक्षा ले लो। तो राजा का नाम है मुकुंद देव। तो राजा मुकुंद देव दूसरे दिन सची माता से माफ़ी मांगे और उनसे दीक्षा लिए और उनके शिष्य बन गए। और ये सची देवी का नाम बाद में पड़ा गंगा माता गोस्वामिनी। ये गंगा माता गोस्वामिनी का अभी मठ है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो मठ है उसी मठ को गंगा माता का मठ भी बोलते हैं। तो वहाँ पर वो रहती थी सची माँ सची देवी। नेक्स्ट इंद्रदुम्न सरोवर। ये इंद्रदुम्न सरोवर गुंडीचा मंदिर के पास में है, गुंडीचा मंदिर के बगल में हम लोग गए थे यात्रा में। इंद्रदुम्न सरोवर में हमारा कथा हुआ था अगर याद होगा तुम। तो जब महाराज इंद्रदुम्न को महाराज इंद्रदुम्न जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और उनको भगवान का कृपा मिला और भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा करने का आदेश मिला, तो नारद मुनि ने इंद्रदुम्न महाराज को आदेश दिया कि तुम 1000 अश्वमेध यज्ञ करो।
गुंडेचा मंदिर से महावेदी से कितना 200 धनु दूर में 1000 अश्वमेध यज्ञ इंद्रदुम्न महाराज किए थे। कितना दिन लगा था याद है? कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समय उन्होंने लाखों गायों का दान दिया था, और वो जब गायें इकट्ठी हुई तो गाय के पांव के खुर से बहुत बड़ा खड्डा हो गया, और वो खड्डा फिर पानी से भर गया और वही बन गया इंद्रदुम्न सरोवर। और वो सरोवर अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ पर 1000 अश्वमेध यज्ञ हुआ है और गायों के खुर से बना हुआ है। इस सरोवर के किनारे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और इसके किनारे इंद्रदुम्न राजा का मंदिर है, गुंडीचा रानी का मंदिर है, गालमाधव राजा का मंदिर है और साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो पुराण स्कंद पुराण में लिखा है कि इंद्रदुम्न सरोवर के बराबर कोई तीर्थ नहीं है, बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अपने भक्तों को लेकर के इंद्रदुम्न सरोवर में जाते थे और उनके साथ जल केले करते थे। चैतन्य महाप्रभु एक बड़ा मंडल मतलब राउंड सर्कल बना देते भक्तों को सरोवर में, और सब लोग हाथ में पानी लेके एक दूसरे के ऊपर छिड़कते थे, और महाप्रभु बहुत आनंद लेते थे इस लीला का। और कभी कभी महाप्रभु दो दो जन का जोड़ी बना देते थे और महाप्रभु जज बन के निर्णायक बन के खड़े रहते थे कैप्टन, और दो दो भक्त आपस में पानी से लड़ाई करते थे और जीत जा रहा है महाप्रभु देते थे। तो अद्वैत आचार्य के साथ नितान को लड़ाई करते थे, गदाधर पंडित के साथ श्रीवास पंडित, राघव पंडित के साथ वक्रेश्वर पंडित, और रामानंद राय के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब दो दो का टीम होता था और ये लोग पानी से लड़ते थे और एक दूसरे को हरा देते थे। महाप्रभु बहुत आनंद प्राप्त करते थे। इसके बाद नरेंद्र सरोवर है। नरेंद्र सरोवर जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में बहुत विशाल है, ये सरोवर बहुत बड़ा है। और इस सरोवर को चंदन सरोवर भी कहते हैं, चंदन पुकुर भी कहते हैं, क्योंकि ये सरोवर की विशेषता ये है कि जब चंदन यात्रा होती है अक्षय तृतीया से शुरू करके 21 दिन प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का इस नरेंद्र सरोवर में नौका विलास होता है 21 दिन। और भगवान जगन्नाथ के जो विजय विग्रह हैं जिसका नाम है मदन मोहन, वो और दूसरे एक विग्रह जिनका नाम है राम गोविंद, ये विग्रह पालकी के ऊपर उनको नरेंद्र सरोवर में सब बहुत बड़ा प्रोसेशन के साथ लेके आते हैं। जगन्नाथ मंदिर से लेकर के नरेंद्र सरोवर तक पूरा रास्ते को सजाया जाता है, ऊपर में मंडप नीचे फूल बिछाए जाते हैं, और पालकी में लेकर के कितनी पालकियाँ आती है बताता हूँ। पहले पालकी में मदन मोहन जी और लक्ष्मी सरस्वती बैठते हैं, दूसरी पालकी में राम गोविंद बैठते हैं, और पांच पालकियों में पांच महादेव बैठते हैं, सात पालकी आती है जगन्नाथ मंदिर से, सात पालकी में सात भगवान के विग्रह पहुंचते हैं इस सरिल विहार में
नौ का विलास में। तो पहले पालकी में भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है मदन मोहन जी और लक्ष्मी सरस्वती बैठ के आती पहली पालकी। दूसरी पालकी में राम गोविंद, राम मतलब बलराम, गोविंद मतलब कृष्ण, तो कृष्ण बलराम दूसरी पालकी में आते। और तीसरी में महादेव, तीसरी चौथी पांच पालकी में पांच महादेव। ये सात जन एक साथ पहुँचते हैं नरेंद्र सरोवर। फिर दो बड़ी बड़ी नौकाएं बनती है और नौका भी बहुत भव्य है, जैसे रथ इतनी मेहनत से बनाते बैठ जाते हैं। इस दोनों नौका में बिठा करके पूरा नरेंद्र सरोवर में नौका विलास होता है, घूमते हैं भगवान। और नौका विलास करने के बाद नरेंद्र सरोवर के बीच में एक छोटा मंदिर है, उस मंदिर में सब भगवान को ले जाते हैं, ले जाकर के वहां पर उनका चंदन लगाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं और उनको भोग लगता है। फिर भगवान वापस मंदिर चले जाते हैं पालकी में। नरेंद्र सरोवर के, तो नरेंद्र सरोवर में जब नौका विलास होता था तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके वहाँ चले गए नरेंद्र सरोवर में। और उधर नौका विलास हो रहा था, उसमें ही महाप्रभु कूद पड़े पानी के अंदर, सब भक्त लोग भी कूद पड़े। और इधर नौका विलास हो रहा था और भक्त लोग अंदर में पानी से खेल रहे थे और भगवान को खुशी दे रहे थे। जब नौका विलास होता है तो चारों किनारे पे भक्त लोग बैठ जाते हैं और कीर्तन करते हैं और भगवान के नौका बीच में घूमते रहते हैं। तो ये हो गया नरेंद्र सरोवर, इसमें स्नान करने के बाद महिमा। इसके बाद पंच महादेव, ये पंच महादेव पूरी में अलग अलग पांच स्थान में हैं, लेकिन ये पंच महादेव फिर मंदिर के अंदर भी हैं, जो हमने कल बताया था। कल मंदिर के अंदर उनका नाम बताया, पांच महादेव कहाँ कहाँ पर हैं और पूरी में पांच स्थान में हैं। ये पंच महादेव पंच पांडव भी माने जाते हैं, जो पांच पांडव है वही पंच महादेव के रूप में प्रकट है पूरी में। तो पहले यमेश्वर, पांच महादेव का नाम बोल देता हूँ पहले, यमेश्वर, नीलकंठेश्वर, लोकनाथ, कपाल मोचन, मार्कंडेश्वर, ये पांच शिव जी के नाम हैं। और इसमें पहले सबसे पहले यमेश्वर महादेव, ये पांचों का स्थान कहाँ कहाँ पर है हम देखते हैं। यमेश्वर महादेव को कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के माना जाता है उनको, यमेश्वर महादेव को। ये मंदिर के दक्षिण में है, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण की तरफ, मंदिर के बहुत पास में ही है यमेश्वर महादेव। दूसरा नाम है मुक्तेश्वर महादेव। यमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो जमीन से 40 फुट नीचे है, 40 फुट नीचा, 40 फुट का दीवार बना हुआ है, दीवाल बना हुआ है, उसके बीच में यमेश्वर महादेव का मंदिर है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है और नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ पर यमेश्वर महादेव देखेंगे। यमराज ने इनका प्रतिष्ठा किया है ऐसा कहा जाता है, इसलिए इनका नाम है यमेश्वर महादेव। इस मंदिर में और भी कुछ विग्रह हैं, मूल गर्भगृह में तो शिवलिंग है यमेश्वर महादेव का, उसके सामने दत्तात्रेय भगवान का विग्रह है और मंदिर के बाहर में भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री वेणु माधव, फिर नारायण, ये सब
मंदिर के बाहर में इन सब का मंदिर है, मूर्तियाँ हैं। और मंदिर के प्रांगण में एक सूर्य नारायण भगवान का रथ है। इस यमेश्वर माधव का, महादेव का एक विजय विग्रह है, वो चार हाथ वाला है। उस चार हाथ में दो हाथ में उनके शंख चक्र हैं और दो हाथ में कमंडलू और न डमरू और त्रिशूल है। तो इसको हरिहर कहते हैं। शंख चक्र भगवान विष्णु के हैं और डमरू और त्रिशूल शिव जी के हैं। तो दोनों का मिलित विग्रह है, इसलिए हरिहर विग्रह कहते हैं इसको। और इस मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ भी है और वृष स्तंभ भी है शिव जी के और विष्णु के लिए। साल में एक बार जगन्नाथ मंदिर में जो लक्ष्मी नारायण है उनका विवाह अनुष्ठान होता है, वो विवाह अनुष्ठान यहाँ जमेश्वर महादेव के मंदिर में होता है। आते यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी विवाह होता है, फिर जाते हैं। और हर महीने में अमावस्या के दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर में एक नारायण का विग्रह है, समुद्र नारायण। ये एवरी अमावस्या को ये महाउदधि सागर में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद जमेश्वर महादेव के पास आकर के बैठते हैं, थोड़ा देर उनके बीच में बातचीत होता है, फिर वो नारायण वापस अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये जमेश्वर महादेव की विशेषता हो गई। नेक्स्ट नीलकंठेश्वर महादेव। इंद्रदुम्ना सरोवर के तट पे है नीलकंठेश्वर महादेव, गुंडीचा मंदिर के पीछे है। यहाँ पर भी चंदन यात्रा बड़े धूमधाम मनाई जाती है। और नीलकंठेश्वर महादेव हो गए सहदेव के अवतार, यमेश्वर थे युधिष्ठिर और नीलकंठेश्वर सहदेव। तीसरे लोकनाथ महादेव, लोकनाथ महादेव का जो विग्रह है, मूर्ति है, शिवलिंग है, वो भी बहुत जमीन से बहुत नीचा है और वो पानी में डूबे रहते हैं। साल भर वो पानी में डूबे रहते हैं। साल में खाली शिवरात्रि के दो दिन पहले विग्रह को बाहर निकालते हैं, उनका दो तीन दिन पूजा होता है, उसके बाद वापस पानी के अंदर रख देते हैं। इन शिव जी के जो विजय विग्रह है, जो कि चतुर्भुज है, वो भी चतुर्भुज नारायण के जैसे हैं, सोने के विजय विग्रह हैं। इनका दर्शन साल भर होता है। तो फाल्गुन मास की एकादशी तिथि को शिवलिंग को बाहर निकालते हैं जल से और शिवरात्रि तक उनकी पूजा होती है, सब वापस उनको डाल दें। और इनका जो विग्रह है हरिहर विग्रह, इनको वैष्णव लोग तुलसी देकर के पूजा करते हैं और जो शिव जी के भक्त हैं उन बेलपत्र देकर पूजा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के भंडार गृह के अधिकारी माने जाते हैं लोकनाथ महादेव। आगे हो गए श्री कपाल मोचन महादेव। कपाल मोचन महादेव अश्वदार के बिल्कुल सामने ही है। अश्वदार मतलब मेरे ख्याल दक्षिण दिशा, पूरे मंदिर के दक्षिण द्वार। तो दक्षिण द्वार के बिल्कुल सामने ही है कपाल मोचन महादेव। इनकी लीला ऐसी है, शास्त्रों में पुराणों में लिखा है कि एक बार
ब्रह्मा जी के ऊपर शिव जी ने गुस्सा किया और गुस्सा करके शिव जी ने ब्रह्मा जी को एक थप्पड़ मार दिया, तो उससे ब्रह्मा जी का एक मुंह खुल गया। ब्रह्मा जी के पांच मुख थे पहले, थप्पड़ मारने से एक मुख खुल गया, खुल गया और महादेव के हाथ में लग गया वो मुंह। तो महादेव के हाथ में लग गया, उसको छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन छूट नहीं रहा था, और उसको ब्रह्महत्या पाप भी लग गया महादेव को, क्योंकि एक मुंड काट दिया। तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते कहीं खुला नहीं, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए और इस स्थान में जब आए तब उनके हाथ से वो कपाल ब्रह्मा जी का छूट गया, इसलिए उनका नाम है कपाल मोचन महादेव। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मुंह हाथ से खुल गया और ब्रह्महत्या पाप से भी बच गए, तो यही कपाल मोचन महादेव। इसके बाद है मार्कंडेश्वर महादेव। मार्कंडेश्वर महादेव जो मार्कंड सरोवर है, इसका भी डिस्कस किया हम लोग, उसी के तट पे मार्कंडेश्वर महादेव है। जैसे बाल मुकुंद भगवान ने उनको कहा था कि तुम शिव जी की पूजा करना, तो उन्होंने मार्कंडेय जी ने मार्कंडेश्वर का पूजा किया। और एक लीला भी है, मृकंड नाम के ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम है मरुदमंती। इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मार्कंडेय, लेकिन जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी हो गई कि 7 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके पिताजी और माताजी बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गया कि हमारा पुत्र जन्म लिया, 7 साल मृत्यु हो जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, पिता आप दुख मत करिए, मैं खुद कुछ व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, तो शिव जी की आराधना की और कंटिन्यू शिव जी की आराधना करने लगे। तो 7 साल के बाद यमराज आए उसको लेने के लिए, तो मार्कंडेय ने क्या किया, भगवान की शिवलिंग को पकड़ लिया जोर से। तो यमराज खींच रहे थे लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा खींचतान हो गया। तो फिर महादेव प्रकट हो गए, यमराज को कहा कि ये पूरी धाम है, ये पुरुषोत्तम धाम है, यहाँ पर तुम्हारा यमराज का अधिकार नहीं है, और इसने मेरी पूजा की है, ये भी अमर हो गया। तो यमराज चले जाते हैं, ये हो गया मार्कंडेश्वर महादेव। टाइम क्या हुआ है, ओके, कि बहुत सारे तीर्थ हैं करना है। इसमें 18 नाला पूरी में प्रवेश करने के पहले एक ब्रिज आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाओ, ये जो ब्रिज है इसको आप गिनेंगे तो 18 एग्जैक्टली। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ये था, ये बहुत पुराना है, एक प्राचीन एक राजा ने इसको बनाया है, इसके अंदर से पानी बहता है 18 नाला। तो जब भी पूरी में प्रवेश करते हैं इस 18 नाला को पार करके जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते थे और यहाँ से भक्तों को रिसीव करते थे, रिसेप्शन का स्थान था, फिर यहाँ से चैतन्य महाप्रभु ले जाते थे सबको मंदिर की तरफ, तो 3 किलोमीटर दूर है मंदिर से। इसके बाद गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर मूल मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये गुंडीचा मंदिर महावेदी कहलाता है, जगन्नाथ जी पहले यहाँ पर प्रकट हुए थे, राजा इंद्रदुम्न को जगन्नाथ जी ने यहाँ पर ही पहले प्रकटों के दर्शन दिया, इसलिए जगन्नाथ स्थान भी माना जाता है। नारद मुनि के आदेश पे
इंद्रदमन महाराज ने महावेदी से जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बैठा के अंतर्वेदी लेके गए, जिसको अभी हम लोग जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, श्री मंदिर कहते हैं। और फिर भगवान ने आदेश दिया कि हर साल में 7 दिन यहाँ गुंडीचा मंदिर आऊँगा और यहाँ पर रहूँगा। तो उनके आदेश से रथ यात्रा होती है। गुंडीचा देवी इंद्रदुम्नी की पत्नी का नाम है। ऐसा है कि जब इंद्रदुम्न महाराज को भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और उनको वर मांगने को कहा, तो राजा इंद्रदुम्न ने वरदान मांगा था कि मेरी कोई संतान नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो जगन्नाथ ने कहा तथास्तु। फिर उनकी पत्नी गुंडीचा ने कहा, भगवान आपने इनको वरदान दे दिया कि इनको कोई संतान नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे बिना पूछे आप कैसे उनको वरदान दे सकते हैं? ऐसा मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मुझे तो पुत्र की संतान की इच्छा हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तो आपका पुत्र बनूँगा। तो जगन्नाथ जी ने गुंडीचा को कहा कि मैं आपका पुत्र बनूँगा, मैं 7 दिन जगन्नाथपुरी से आपके घर आऊँगा और आपके यहाँ पर रहूँगा, आप मुझे माँ के जैसे लालन पालन करेंगे। तो एवरी ईयर 7 डेज जगन्नाथ विल कम एंड स्टे गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा मंदिर में भगवान को वो लालन पालन करेगी गुंडीचा, इसलिए उनके नाम से गुंडीचा मंदिर नाम हुआ। इस शास्त्र में लिखा है कि गुंडीचा मंदिर में अगर कोई भगवान को दर्शन करेगा तो जो मूल मंदिर में दर्शन करने से जो फल होता है, गुंडीचा मंदिर में 10 टाइम ज़्यादा फल होगा। 10 बार जगन्नाथ जी को यहाँ दर्शन करने से जो फायदा होगा, 1 बार जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने से 1 बार वही फायदा होगा। तो गुंडीचा मंदिर में जगह विशेष महिमा पुराणों में लिखा हुआ है। चैत्र महाप्रभु जगन्नाथ की जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में आती है, उसके पहले गुंडीचा मार्जन महोत्सव होता है। भक्त लोग गुंडीचा मंदिर को पूरा धोते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने वो धोने का जिम्मेवारी लिया था और अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर को बहुत अच्छे से धोया था। उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। इसके बाद यज्ञ नरसिंह देव गुंडीचा मंदिर के पास में, जहाँ पर इंद्रदुम्न सरोवर है, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद नरसिंह देव का मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। और यज्ञ वेदी से नरसिंह देव प्रकट हुए थे, ऐसा लिखा, इसलिए यज्ञ नरसिंह देव नाम है। और हम स्कंद पुराण में पढ़े थे कि नारद मुनि नरसिंह देव का विग्रह बना के लेके आए, आकाश मार्ग से उन्होंने इंद्रदुम्न को प्रदान किया और पहले नरसिंह देव की प्रतिष्ठा हुई, पूजा हुई, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर का बनाने का प्रयास हुआ। इस नरसिंह देव का जो मंदिर है, इधर 2 नरसिंह देव हैं, एक सामने नरसिंह देव, उनके पीछे और एक नरसिंह देव है। तो जो सामने नरसिंह देव, उनका नाम है शांत नरसिंह देव, और उनके जो पीछे हैं उनका नाम है उग्र नरसिंह देव। तो शांत नरसिंह देव बहुत शांत रूप में है। तो ऐसा लिखा है कि कालापार नाम का राक्षस, एक असुर आया था, उसने पूरे भारत में आक्रमण किया, सब मंदिरों को तोड़ा, लेकिन जब शांत नरसिंह देव को आकर के देखा, उसका मन शांत हो गया, फिर आगे उसने लड़ाई और फाइटिंग नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु भी नरसिंह देव के मंदिर में जाते थे, कीर्तन करते थे और बहुत आनंद लेते थे। इसके बाद आ गया स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार मंदिर के पास में है और स्वर्ग द्वार में समुद्र के किनारे, तो कौन तुम्हारा अवधि की घूर रखे चलो कैमरा। स्वर्ग द्वार में ऐसे कहते कि वहाँ स्वर्ग जाने का सीढ़ी है, और ऐसे कहते कि स्वर्ग के देवता लोग इसी मार्ग से जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करने आते हैं। तो ये स्वर्ग द्वार में कई बार ऐसी घटना, एक बार इंद्रदेव गुप्त वेश में जगन्नाथ मंदिर में आए थे और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद लिया आनंद बाजार से। प्रसाद लेने के बाद उन्होंने पेमेंट नहीं किया,
तो पंडा जी ने उनको बोला कि पेमेंट दीजिए, तो वो पेमेंट दे नहीं रहे थे, उनके पास पैसा था नहीं, इंद्र के पास पैसा कहाँ से आएगा हम लोग वाला, तो इंद्रदेव दे नहीं रहे थे, वो पीछे पीछे गया, तो जाते जाते फॉलो करते करते स्वर्ग द्वार तक चला गया और उसको छोड़ नहीं रहे थे, मेरा पैसा दे के जाओ। तो इंद्र बोला अरे तुम पैसा दो, दो पांच पैसा क्या मांग रहा है, मैं तो इंद्र हूँ कुछ भी दे सकता हूँ। तो बोले ठीक है आप तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो, तो मुझे ऐसा वरदान दो जब भी मैं बोलूँगा तो बारिश आ जाना चाहिए। इंद्र ने तथास्तु ठीक है वरदान दे के इंद्र फिर चले गए। फिर वो भक्त वापस आता है मंदिर में आनंद बाजार में और सबको बताता है स्टोरी, और फिर वो आनंद बाजार में वर्षा करवाता है, पूरा आनंद बाजार बारिश से पानी भर गया। इस तरह से फिर बाद में वो राजा ने उसको बुलाया, राजा बोला मेरे अंगने में बारिश करा, तो राजा के अंगने में बारिश करवा दिया। फिर राजा ने उस भक्त को सम्मान करने के लिए एक उनके नाम से एक श्री थी उनका स्मरण में उनको एक नाम दिया मेघमाल्या, जो बारिश बरसा सकता है। राजा ने उपाधि दिया, उनकी पूजा की, उनका सम्मान किया। इसके बाद चक्र तीर्थ है, ये चक्र तीर्थ वो है जगह, ऐसा कहते हैं कि पहले जो गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर बीच में एक नदी बहती थी, और उस नदी में जब रथ यात्रा होती थी तो रथ नदी के इस पार खड़े होते थे, फिर नाव से जगन्नाथ को उस पार ले जाते थे, उस पार फिर दूसरा दो रथ होता था, इस पार तीन रथ उस पार तीन रथ। तो वो जो नदी है वो नदी में जगन्नाथ के विग्रह लकड़ी बहते हुए आई थी, और जहाँ पर वो लकड़ी को उठाया गया था उसका नाम है बंकी मुहान, वो जगह आज भी है बंकी मुहान जगह पूरी में जहाँ पर जगन्नाथ जी आए थे, नदी बहती थी पहले, अभी बहुत कुछ साल हुआ है कि नदी वो बंद हो गई, भर गई, रोड बन गया है, राजा ने रोड बना दिया। तो वो जगह चक्र तीर्थ, वहाँ पर एक भगवान का नील चक्र है, उसका पूजा होता है, और नील चक्र के साथ साथ वहाँ पर वरुण देव का मंदिर है जो सागर के देवता है, जिसको जगन्नाथ जी के ससुर माना जाते हैं, तो जगन्नाथ जी के ससुराल का मंदिर है जिसमें वरुण जी हैं और अनंत नारायण है, चक्र नरसिंह देव हैं, ये सब मंदिर हैं उसमें हैं। चक्र तीर्थ बाद है वाट मंगला, वाट मंगला देवी, ये वाट मंगला देवी जगन्नाथ के मूल मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। तो भुवनेश्वर से अगर कोई पूरी आएंगे तो पहले वाट मंगला देवी का दर्शन करेंगे, फिर जगन्नाथ का दर्शन करना है। वाट मतलब रास्ता, तो मंगला मतलब मंगल, तो जो जगन्नाथ को दर्शन करने जा रहे हैं उनका रास्ते को वाट मंगला देवी एक बार दर्शन करेंगे उनका, तो हमारा रास्ता वो साफ कर देती है, क्लियर कर देती है, और रास्ते को मंग हमारी जर्नी को मंगलमय बना दे, मतलब हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, हैप्पी जर्नी का बंगला हो गया, संस्कृत हो गया वाट मंगला, वाट मतलब जर्नी, मंगला मतलब हैप्पी। तो वाट मंगला देवी का दर्शन करने से जगन्नाथ का जो पूरी का जो जर्नी है वो हैप्पी जर्नी हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस जर्नी होता है। हम और 5 मिनट लेंगे, हम सोच रहे कि एक कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद आलम चंडी देवी है, ये आलम चंडी देवी का बहुत सुंदर मंदिर है, ये कुम्हार पाड़ा में मंदिर है, ये अठारह नाला के पास में ये मंदिर, अठारह नाला के पास में। आलमचंड मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में इनकी महिमा है आलमचंडी की, उसमें लिखा है कि आलमचंडी को दाई और रख करके पूरी की परिक्रमा करनी चाहिए, ये स्कंद पुराण में लिखा है। तो जब पूरी की परिक्रमा करेंगे तो आलमचंडी को दर्शन करते हुए वहाँ से परिक्रमा करना चाहिए। और जब भगवान के नव कलेवर बनता है तो नव कलेवर की जो लकड़ियाँ आती है जंगल से, उस लकड़ियों को आलमचंडी मंदिर में पहले लाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारी पूजाएँ विधि यात्राएँ होती है, मंत्र पढ़ते हैं,
उसके बाद गजपति महाराज आते हैं आलमचंडी से, प्रार्थना करते हैं उनसे आशीर्वाद लेके, फिर विग्रह को मंदिर बनने को, विग्रह का बनना शुरू होता है आलमचंडी कृपा। उसके बाद मौसीमा मंदिर है, मौसीमा मंदिर जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में, इसका दूसरा नाम है अर्धाशिनी देवी। ये अर्धाशिनी देवी का महिमा भी स्कंद पुराण में है। इन्होंने जब प्रलय हुआ था ब्रह्मांड में, तो प्रलय का आधा पानी वो पी गई थी, इसलिए उनका नाम है अर्धाशिनी देवी। तो इनका दर्शन करना चाहिए, स्कंद पुराण में लिखा है। वो क्षेत्रपाला में एक है, जो आठ देवियां हैं जो क्षेत्र की रक्षा करती है, उनमें एक है अर्धाशिनी देवी। इसके बाद चर्चिका देवी है, चर्चिका देवी भी बड़गंडा पे मेन रोड के ऊपर है, जस्ट मंदिर के सामने ही है चर्चिका देवी का मंदिर। तो जब जगन्नाथ का विग्रह बनता है, रथ बनता है, तो चर्चिका देवी मंदिर के सामने ही बनता है, और वो रथ की बनाने की अधिष्ठात्री देवी है चर्चिका देवी। उसके बाद है बेड़ी हनुमान, बेड़ी हनुमान चक्र तीर्थ के ऊपर है, पुरी में मुख्य, जैसे आठ पंच शंभु हैं, वह अष्ट शंभु और पंच महादेव हैं, अष्ट महावीर भी है, अष्ट हनुमान है पुरी में, आठ हनुमान, सिद्ध हनुमान, दयावीर, कानपटा हनुमान, कानपाता हनुमान, वर्गीय हनुमान, मसनी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, फतेह हनुमान, सिरुली हनुमान। तो एक हनुमान है बेड़ी हनुमान, चक्र तीर्थ में है। तो इसकी लीला ऐसी है बेड़ी हनुमान की, कि भगवान जगन्नाथ देव ने हनुमान जी को ड्यूटी में लगाया था कि तुम देखना कि सागर का पानी पूरी में नहीं आना चाहिए, सागर पानी पूरी को डुबाना नहीं चाहिए, तो हनुमान जी को सेवा दिया गया था। तो ऐसा लोक कथा है कि हनुमान जी एक बार अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए चले गए, वहाँ पर लड्डू का भोग लगा था, और लड्डू का भोग खाने वहाँ लग गए प्रसाद, तो लड्डू का प्रसाद खाने में हनुमान जी को आने में लेट हो गया। मीनवाइल समुद्र ने क्या किया, पुरी को डुबाना शुरू कर दिया। तो पुरी के लोग बहुत परेशान हो गए, तो जगन्नाथ जी बोला हनुमान कहाँ है, हनुमान तो लड्डू खाने गए अयोध्या में। तो फिर जगन्नाथ जी ने हनुमान को उनके पाँव को बेड़ियों से बांध दिया कि तुम यहाँ से कभी जाना मत, बेड़ियों, और उनको जगन्नाथ जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाना शुरू किया, और हनुमान को बोला तुम यहाँ लड्डू खा लेना जितना खाना, अयोध्या मत जाना। तो ये है बेड़ी हनुमान का विग्रह का लीला। तो हमने इतने तीर्थों का बताया, करीब 16 तीर्थ का नाम बताया, ये जगन्नाथ मंदिर के आसपास है। और कल मैं बताऊंगा जगन्नाथ देव की जो दैनिक सेवा है, सुबह से शाम तक क्या क्या सेवाएं होती है, और सारा वर्ष में कितनी यात्राएं होती है जगन्नाथ की, कौन सा वेश जगन्नाथ जी पहनते हैं, अलग अलग 22 प्रकार के वेश जगन्नाथ जी के बदलते हैं, वो कल बताऊंगा। हरे कृष्णा, हरे बहुत धन्यवाद। बहुत लेट हो गया तो प्रश्न में थोड़ा जल्दी से करूंगा, सब प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। ब्रजेश कुमार पांडे, यहाँ जो प्रसाद बनती है वो कभी भी नहीं कनती, इसका कारण गुरुजी बताएं। यहाँ प्रसाद जो बनती है वो कभी कमती नहीं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी देवी यहाँ पर स्वयं रसोड़े में, रसोई घर में खाना बनाती है। तो लक्ष्मी देवी जब जहाँ रहेगी वो तो अन्नपूर्णा है, तो वहाँ पर कभी भोजन खत्म नहीं हो सकेगा, नहीं होता है। धन्यवाद ब्रजेश कुमार जी। घनश्याम अग्रवाल प्रभु का प्रश्न है, पूरी के महाप्रसाद का इम्पोर्टेंस। तो महाप्रसाद के ऊपर एक दिन पूरा मैं प्रवचन करूंगा, कल मैं जगन्नाथ मंदिर की सेवाओं का बात कर लेता हूँ, क्या क्या सेवाएं हो रही है, कितना ड्रेस, उसके बाद हम जगन्नाथ की महाप्रसाद के ऊपर पूरा एक दिन लग जाएगा। तो एक दिन उसको ही खाली बताएंगे कैसे महाप्रसाद बनता है और क्या होता है। सुमंत्रा गोपी माता जी, हरे कृष्ण, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ सेड दैट
Jagannath's main priest keep daily written records of Jagannath's Leela activities? Is it true when it has started? Are those records available for us? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में एक मादला पंजी है। ये मादला पंजी का जो है वो जगन्नाथ का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, जो जो घटना घटती है उसमें नोट डाउन हो रहा है। तो मादला पंजी अवेलेबल है, आप पूरी में जाकर ने तो मादला पंजी परचेस कर सकते हैं। उसमें पूरा हिस्ट्री, पूरा रिकॉर्ड जगन्नाथ का है मंदिर का, कब कौन सा राजा आए थे और उन्होंने क्या क्या चेंज किया मंदिर में, सब लिखा है। अमिताभ नागप्रभु, व्हाई डू वी सेलिब्रेट कालियादमन लीला इन मार्कंडेय सरोवर, ऑन विच ओकेशन में यू प्लीज एलाबरेट। हाँ, इसको हम एलाबरेट करेंगे। जगन्नाथ के मंदिर में जितनी भी यात्राएं होती हैं सारा वर्ष में, उसमें एक कालियादमन यात्रा भी होगी, तो उसको हम डिटेल में बताएंगे। घनश्याम गोपाल प्रभु, सचिदेवी एंटर्स इनटू टेंपल बाय हेल्प ऑफ जगन्नाथ, बट व्हाई लॉर्ड जगन्नाथ अपीयर टू मच लेट आफ्टर पनिश्ड हर। सची देवी मंदिर में चली गई थी, जगन्नाथ जी ने तुरंत क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ही वांटेड टू ग्लोरीफाई सची देवी। जगन्नाथ जी चाहते कि पूरी वासी और जगन्नाथ पूरी के जो राजा हैं सबको सची माता की स्टार्टिंग में कुछ एक्शन नहीं लिया ताकि राजा को भी पता चल जाए उसकी महिमा को। अमिताभ नाग प्रभु जी, लॉर्ड जगन्नाथ ट्रैवलिंग टू गुंडिचा मंदिर, इज इट इक्विवेलेंट टू कृष्णा गोइंग फ्रॉम द्वारका टू वृंदावन? यस, जगन्नाथ जी का मंदिर है वो कुरुक्षेत्र है और गुंडिचा मंदिर है सुंदराचल है वृंदावन है, तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाने का कंपेरिजन किया जाता है। कौशिक रॉय, पुरी में जगन्नाथ जी के ससुराल कहाँ पे हैं? चक्रतीर्थ में जगन्नाथ जी के ससुराल वाड़ी है, पूछेंगे लोगों तो बता देंगे, ससुर वाड़ी, मौसी वाड़ी, ससुर वाड़ी। हरे कृष्ण, बहुत स्वामी की बलदेव प्रभु की सुभद्रा महारानी की, हरे शाम को फिर 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण।